आज हम आपको प्लाजो बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमारे मेजरमेंट है एक फुल लेंथ, एक हिप राउंड और क्रॉच डेप्थ। फुल लेंथ है 38, हिप राउंड है 38 और क्रॉच डेप्थ है 13। ये स्टैंडर्ड है, 13 ही लेते हैं हर किसी साइज में। अगर हेल्दी है तो 14-15, बाकी नॉर्मल 13 ही रहती है। अब इसमें ए बी हमारी हो गई है ये फुल लेंथ, और ए सी यहाँ से अपना 1/4 ऑफ हिप राउंड जो 38 है उसका 1/4 करके प्लस 1/2 इंच। वो बेल्ट के लिए, अगर बेल्ट लगा रहे हैं तो 1/2 इंच, अगर इलास्टिक लगा रहे हैं तो 2 इंच, 1/4 ऑफ हिप राउंड प्लस 2 इंच इलास्टिक के लिए। अब ए टू सी डैश, ए से अपन 2.5 इंच ऊपर जाएंगे बेल्ट के लिए, ऐसे ही सी से डी 2.5 इंच दोनों, और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। फिर सी टू ई अपनी क्रॉस डेप्थ, ये 13 है तो ये भी 13 क्रॉस डेप्थ, इससे हम 2 इंच आउट जाएंगे, 2 इंच आउट जाएंगे और ऐसा कर्व बना लेंगे क्रॉच के लिए। और नीचे अपने पने है उसकी फैब्रिक की जितनी विड्थ है उतना इसका फ्लेयर आ जाएगा। यहाँ से ऐसे इसको मार्क कर लेंगे और इसको मेजरमेंट यहाँ से करेंगे, इस लाइन से एक लाइन बना लेंगे डैश करके, फिर यहाँ से जो जितना मेजरमेंट आएगा उतना ही हम ये एफ पे रख के करें मार्क कर देंगे और ऐसे इसमें कर्व कर लेंगे, तो इसकी अच्छे से पूरा कर्व आ जाएगा फ्लेयर का। ये हमारा बेसिक है, अब डायरेक्ट इसको फैब्रिक पे कट करेंगे।